स्टूडेंट्स, हम इस सबक के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, किसी से कुछ कहने से पहले तुम्हें क्या करना चाहिए। जवाब है इसका, किसी से कुछ कहने से पहले हमें लफ्ज़ों को तोलना चाहिए। ओके, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था, किसी से कुछ कहने से पहले तुम्हें क्या करना चाहिए। इसका जवाब है, किसी से कुछ कहने से पहले हमें लफ्ज़ों को तोलना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, शायर सबक और इल्म के बारे में क्या कहता है। जवाब है इसका, शायर सबक के बारे में बता रहे हैं कि सबक याद करने को मुसीबत मत समझो और इल्म के बारे में बता रहे हैं कि इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं है। ठीक है, सबक के बारे में क्या बता रहे हैं शायर, कि सबक याद करने को मुसीबत मत समझो और इल्म के बारे में क्या बताया है शायर ने, इल्म के बारे में बताया है कि इल्म से बड़ी दौलत दुनिया में नहीं है। ठीक है, इल्म से बड़ी दौलत दुनिया में नहीं है। ओके, एक बार और रिमाइंड कर लीजिएगा, किसी से कुछ कहने से पहले तुम्हें क्या करना चाहिए। जवाब है कि किसी से कुछ कहने से पहले हमें लफ्ज़ों को तोलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, शायर सबक और इल्म के बारे में क्या कहता है। इसका जवाब है, शायर सबक के बारे में बता रहे हैं कि सबक याद करने को मुसीबत मत समझो और इल्म के बारे में बता रहे हैं कि इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।